हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वेंचर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें अपने प्रोडक्ट्स क्यों अमेजोन पे बेचने चाहिए, व्हाई सेल ऑन अमेजोन। ओके, तो सबसे पहले अमेजोन हैज़ ओवर 250 मिलियन यूजर्स एंड काउंटिंग। जी हाँ, इतने लोग यूज़ करते हैं अमेजोन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब भी कोई यूज़र सर्च करता है गूगल पे, तो दे आंट ऑलवेज लुकिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, बट अमेजोन इज अ सर्च इंजन ऑफ आइटम्स फॉर सेल। और अमेजोन ने अब सेंटर्स जगह जगह इस्टेब्लिश किए बिजनेस ओनर वर्ल्ड की किसी भी लोकेशन से रिमोटली अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। आपको कोई से दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन सारा काम करता है, कस्टमर केयर से लेके आपकी पैकेज शिपिंग एंड प्रोडक्ट पैकिंग और ये सब कुछ। आपको सिर्फ एक यूपीसी कोड चाहिए होता है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी जी। और अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो बहुत ही फॉर एग्जांपल छोटे शहरों में मिलता है, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं और बाकी सारा काम अमेजोन करके देगा। तो बेसिकली अपना बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाने के लिए हमें अमेजोन पे जरूरी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डिस्कोर्स? बिकॉज आपने हर जगह देखा होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं कि $1 पे करें और फिर वो आपको पूरा कोर्स देंगे कि व्हाट इज़ अमेजोन FBA, व्हाट इज़ अमेजोन आर्बिट्राज। बट वो सिर्फ एक दो वीडियो नहीं दिखाते हैं, बट मेरा कोर्स पूरा फ्री है। जी हाँ, इट इज़ फ्री। और मैं आपको इस पूरे कोर्स में आई विल गिव यू द रियल लाइफ एक्शनेबल स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड, जिसमें आपको मैं सारे टूल्स और सारी एप्लीकेशंस बताऊंगी जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। आप उसके, अगर आपने अपना प्रोडक्ट कंपैरिजन करना है अमेज़न प्रोडक्ट से, तो उसके रिव्यूज़ और उसके फीडबैक्स देख सकते हैं। कैसे एक एक चीज़ देखनी है प्रोडक्ट के बारे में, कहाँ अवेलेबल है वो, कहाँ नहीं, कैसे सीजनेबल प्रोडक्ट देखने हैं, जैसे क्रिसमस और दिवाली पे कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है और कैसे उन्हें लिस्ट करना है अमेज़न पे। तो मैं आपको पूरा इस कोर्स में बताऊँगी। सो यहाँ बने, थैंक यू। And please don't forget to like, share and subscribe my channel. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Digital Ventures. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे what is Amazon arbitrage. Arbitrage का मीनिंग ही यही होता है, the simultaneous buying and selling of the securities or any products in the different markets in order to take advantage of the differing price for the same asset. कि हम सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन हम खरीद रहे हैं उसको चीप रेट पे और उसको बेच रहे हैं हायर रेट पे। दिस इज कॉल्ड अमेज़न आर्बिट्राज। सो बेसिकली अमेज़न आर्बिट्राज इज द सेलिंग ऑफ गुड्स दैट ऑलरेडी आर इन द अमेज़न सिस्टम। ऑलरेडी आर इन द अमेज़न सिस्टम मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है जो जूसर और मिक्सर बेचती है, तो आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है पहले अमेज़ॉन में। और हर प्रोडक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, दैट इज कॉल्ड यूपीसी कोड। यू कैन ईदर बाय फ्रॉम लोकल मर्चेंट्स, और अगर आप इंडिया में हैं तो आप रिलायंस और बिग बाज़ार से प्रोडक्ट चीप रेट्स पे खरीद के उनको अमेज़ॉन पे लिस्ट करके आप अमेज़ॉन आर्बिट्राज कर सकते हैं, आप उसको अमेजोन पे बेच सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अमेजोन आर्बिट्राज। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड होगा अमेजोन पे, बट आप लोकल मर्चेंट्स और ये जो बिग शोरूम्स होते हैं लाइक रिलायंस और बिग बाजार, इनसे चीप रेट पे खरीद के आपको अमेजोन पे वो प्रोडक्ट दुगने और तिगने प्राइस पे बेचना है। सो दिस इज नॉट अ प्राइवेट लेबल सिस्टम यू क्रिएटिंग। आप जस्ट चीप रेट पे अपना प्रोडक्ट खरीद के अमेजोन पे उसको लिस्ट करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। सो दिस इज कॉल्ड अमेजोन आर्बिट्राज। इज़न्ट अमेजोन रियली कॉम्पिटिटिव ऑन प्राइसिंग? हाउ कैन आई मेक अ प्रॉफिट? मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड बाय बॉक्स। आपको सिर्फ इसके लिए फाइट करना है। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके लिए अच्छे फीडबैक होना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट रिव्यूज होने चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट मोर देन 100 5-स्टार रिव्यूज होने चाहिए, और प्राइस जो है वो भी रीजनेबल होना चाहिए। सो दिस इज द हार्डेस्ट गेम ऑन एमेजोन। यू हैव टू फाइट फॉर दिस बाय बॉक्स। और ये आप राइट साइड में देख सकते हो, अदर सेलर्स ऑन एमेजोन, सेम जूसर मिक्सर फॉर एग्जाम्पल, सेम जूसर मिक्सर 109.99 pound में बेच रहा है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है बाय बॉक्स में। ओके, सो ये अदर सेलर्स ऑन एमेजोन में लिस्टेड है, और बाय बॉक्स में ये देख रहे हो 87.54 euro। प्राइस रीजनेबल है, और आई एम श्योर इसके रिव्यूज वगैरह अच्छे होंगे, तभी ये बाय बॉक्स में है। दिस इज द हार्डेस्ट गेम ऑन एमेजोन कि इतने सारे कंपिटिटर्स हैं, आपको सिर्फ बाय बॉक्स में आना है। बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अदर सेलर्स ऑन एमेजोन्स में जाके देखते हैं कि कितना प्राइस डिफरेंस है और वो कैसे बेच रहे हैं, लोकेशन वाइज रिव्यू कितने रिव्यूज अच्छे हैं अदर सेलर्स में, तो बहुत कम लोग देखते हैं ये। नाउ अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अमेजोन में कैसे बाय बॉक्स और अदर सेलर्स ऑन एमेजोन्स, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या यूनिक स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। ओके, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं सैमसंग S21 का एग्जांपल लिया है। ओके, सो ये जो बाय बॉक्स है राइट साइड में, ये है हमारा बाय बॉक्स। सो अमेज़न इसको 790 euro में ऑफर कर रहा है। ओके, और इसके रिव्यूज देखो 4.5 out of 5, और देखते हैं हम। और ये ऑफर कर रहे हैं कि रिसीव अप टू 350 euro व्हेन यू ट्रेड इन योर फोन। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास बाय बॉक्स जिसके लिए हमें फाइट करना है। ये हमारे पास रिव्यूज हैं, 4.5 out of 5, 21 रिव्यूज हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि अदर सेलर्स ऑन अमेजोन वो कितने ऑफर कर रहे हैं। ओके, सो वो भी सेम ऑफर कर रहे हैं 790। सेकेंड है 795। 86% पॉजिटिव है इन द लास्ट 12 मंथ्स। मीन्स ये द सयाता दिशमया अच्छी सेल हो रही है इनकी, 86% पॉजिटिव है। और रिव्यूज भी इसके ज्यादा हैं, 5,062 रिव्यूज। और ये है एक सोल्ड बाय हे बिट स्टोर, और इनके भी 4.5 रिव्यूज हैं, और ये 88% पॉजिटिव है इन द लास्ट 12 मंथ्स। सो बेसिकली अमेजोन आर्बिट्राज इज अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड। तो यू नो, अगर आप किसी भी बिग स्टोर में जाते हैं या फेस्टिवल के बाद जाते हैं, या तो वहाँ पे कभी ना हमेशा सेल मिलती ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस हो गया, या दिवाली हो गया, या ब्लैक फ्राइडे सेल हो गई, तो वहाँ पे सेल मिलती ही मिलती है बड़े स्टोर्स में। तो यूजिंग अ कपल रिसोर्सेज अवेलेबल राइट ऑन योर फोन, आप उसी टाइम पे चेक कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट इज ट्रूली अ ग्रेट डील और नॉट। और उन्हीं ऐप पे जब आप और उन्हीं ऐप से आप पता कर सकते हो दैट व्हाट योर प्रॉफिट विल बी ऑन द आइटम्स व्हिच यू बाय एंड रीसेल ऑन अमेज़न। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस, अमेज़न सेलर ऐप एंड अमेज़न ऐप। ये दोनों ऐप जरूरी होने ही चाहिए। इसी से ही हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना सेल कर सकता है और उसकी कितनी प्रीवियसली सेल रही है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे चेक करना है, कैसे BSR चेक करना होता है। तो
Now, Amazon arbitrage can have higher margins than the private labeling. इसका मैं example देती हूँ. Let's say you are buying products on sale from Walmart or Reliance Jio at very cheap rates. तो आप क्या करोगे? जो भी आपने products पसंद किया है, उसको तो आपको जो भी product आप application से देखोगे कि उसकी sale ज़्यादा होती है, वो product आप इन स्टोर से चीप रेट्स पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लेके रख लीजिए और उसको नेक्स्ट सीजन में बेचना है. इसी से हमें प्रॉफिट अर्न होगा. दिस इज बेसिकली द अमेज़न आर्बिट्राज. आप चीप रेट्स पे जो बड़े बड़े स्टोर हैं, आप अपना प्रोडक्ट खरीदोगे एंड देन प्रोडक्ट को लिस्ट करो और उसके अच्छे फीडबैक, 5-star रिव्यूज, इन सब से आपको बाय बुक्स के लिए फाइट करना है. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज रिटेल आर्बिट्राज एंड हाउ. सो बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज क्या है कि जब आप कुछ आइटम्स या कुछ प्रोडक्ट्स एक बंडल में ले लेते हो किसी लोकल रिटेल शॉप से या किसी स्टोर में सेल है, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल, तो आप बंडल में किसी प्रोडक्ट को पहले खरीद के रख लेते हो और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हायर प्राइसेस पे बेचना इज कॉल्ड रिटेल आर्बिट्राज. तो बेसिकली इसमें ज्यादा प्रॉफिट है क्योंकि आप स्टॉक्स में, बंडल्स में, लार्ज क्वांटिटी में पहले ही अपना सामान ले रहे हो एंड देन उसको हायर प्राइसेस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो. जैसे कि हमारे पास है Amazon है, Walmart, Facebook और Instagram और मैनी ऑनलाइन साइट्स जैसे Shopify हो गया, तो इस पे आप हायर प्राइसेस पे बेच के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. ओके, रिटेल आर्बिट्राज विद द Amazon FBA. कैसे हम Amazon के साथ रिटेल आर्बिट्राज कर सकते हैं? सो बेसिकली Amazon इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल आर्बिट्राज. Amazon आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, कस्टमर केयर सर्विस, शिपिंग सब कुछ हैंडल करती है. आपको सिर्फ अपना स्टॉक, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके एमएफबीए सेंटर्स पे भेजने हैं, आपको शिप करने हैं. उसके बाद सारा का सारा काम अमेज़न हैंडल करती है. और देयर इज नो मिनिमम फॉर द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन सेंड एट एफबीए सेंटर्स. ये एक अच्छा एडवांटेज है आपको. एंड यू आर ओनली बिल्ड फॉर स्टोरेज स्पेस एंड द फुलफिल्ड ऑर्डर्स. जबकि आके आपको पीपीटी में पता लग जाएगा कि कितना चार्ज होता है. नाउ हाउ टू क्रिएट एन अमेज़न सेलर अकाउंट, उसके लिए आपको ये मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, sellercentral.amazon.com. इसको आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करेंगे और लॉग इन करना है, अकाउंट बनाना है आपको. अगर आप इंडिविजुअल सेलर हो तो आपको आपका अकाउंट फ्री में बन जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. सिर्फ जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे अमेज़न उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन काटेगी. टू टाइप के सेलिंग प्लान हैं अमेज़न एफबीए में जो आप चूज कर सकते हो. वन इज इंडिविजुअल सेलर प्लान ऑन सेलिंग फ्यूअर देन 40 आइटम्स अ मंथ, और जो भी आपकी आइटम्स सोल्ड आउट होगी अमेज़न पे तो पर आइटम अमेज़न 0.99 सेंट कट करेगी. ये फीस अमेज़न चार्ज करेगी. ओके, तो ये ऑप्शन आएगा सेलर्स एंड इंडिविजुअल. अगर हो एज एन इंडिविजुअल तो इसमें ओनली लिमिटेशन सिर्फ ये है कि यू कैन ओनली सेल अ टोटल ऑफ 40 आइटम्स अ मंथ. एंड अमेज़न विल चार्ज 0.99 सेंट पर सेल फी और एक वेरिंग कमीशन होगा, वो भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है अगर आप अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बेचना चाहते हो अमेज़न पे, अपने खुद की प्रोडक्ट हैं आपके, आपकी खुद की कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करना चाहते हो अमेज़न में, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल प्लान चूज करना पड़ेगा. बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो अमेज़न में ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है. ओके, या आप अपनी न्यू कंपनी खोल रहे हो और आप आपके प्रोडक्ट पे आपकी कंपनी का नाम है, तो
यू विल मेक एन अकाउंट एज अ प्रोफेशनल. और इसमें Amazon आपको $39.99 पर चार्ज करेगी फॉर प्रोफेशनल सेलर प्लान. इसमें आपको अनलिमिटेड सेल्स मिलेंगी और वही कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज करेगा Amazon. और कुछ प्रोडक्ट्स Amazon में ऐसे भी हैं जिसमें आपको अप्रूवमेंट लेना पड़ता है. उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको शो प्रूव करना है आपको कि आपके प्रोडक्ट्स आपकी आइटम्स ऑथेंटिक हैं. आपको कुछ फोटोज उनको भेजनी है और एक रिलायबल सप्लायर होना चाहिए आपको मेंशन करने के लिए. नाउ कौन कौन से Amazon सेलर ऐप आपके पास होने चाहिए जिसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक पे है, किसके अच्छे रिव्यूज हैं, किसके बुरे रिव्यूज हैं, ताकि आप उससे प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर सकें. ओके, सो Amazon सेलर ऐप बेसिकली फ्री है और इसको आप तभी एक्सेस कर सकते हो अगर आपका सेलर अकाउंट है. इस एप्लीकेशन में आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए. और इसमें ये एडवांटेज है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन कर सकते हो इस एप्लीकेशन में, और ये आपको सारी डिटेल्स बता देगा कि उसकी सेलिंग प्राइसेस क्या है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेलर्स और बेस्ट सेलर रैंक क्या है ऑफ द प्रोडक्ट ऑन Amazon. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको Amazon सेलर ऐप में मिल जाएगी. तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन यही है. Amazon सेलर ऐप आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि एक प्रोडक्ट पे आप कितना प्रॉफिट कमाओगे ऑन ईच यूनिट, क्योंकि Amazon एप्लीकेशन आपके विल टेक अबाउट 30% ऑफ द प्रॉफिट इन फीस. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टोर से प्रोडक्ट खरीदा जो आपको सेल पे मिल रहा है $8 का, और वही सेम प्रोडक्ट Amazon बेच रही है $30 का, तो 30% Amazon चार्ज करेगी, मीन्स 30 में से $10 Amazon फीस में हुए और $8 जो आपने खुद खरीदे फॉर द गुड्स सोल्ड, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 30 - 10 - 8 इज इक्वल टू $10 पर यूनिट यू आर अर्निंग. तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है आपके प्रॉफिट के लिए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको Amazon सेलर में मिल जाएगी. वहां पे आपकी एक स्क्रीन खुलेगी जहां पे आपको सारी क्वांटिटी और उनके प्राइसेस सब ये मेंशन करने हैं, और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट बता देगा. ओके, सो Amazon सेलर एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर. इट कैन ऑल्सो भी एक्सेस विदाउट अ सेलर अकाउंट. ये भी आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है सेम एज द Amazon सेलर ऐप. बस इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें बारकोड फंक्शन नहीं है. आप कहीं पे भी हो, किसी भी स्टोर पे हो, आप उसके बारकोड से स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाएगी. सिर्फ बारकोड वाला फंक्शन Amazon सेलर ऐप में ही है. सेल टू बाय प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मोस्टली आपको आपके नियर बाय स्टोर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि सेल्स कब होती हैं, या कूपन्स या फ्लायर्स पे मेंशन होता है, या ब्लैक फ्राइडे सेल होगी, या सीजनल सेल होती है, फेस्टिवल सेल होती है, तो तब तो ध्यान रखना ही रखना है. बट स्टिल अगर आप रिटेल में सामान लेना चाहते हो, तो अगर शॉपिंग रिसोर्सेज इन US देखना चाहते हो तो ये है Marshalls, TJ Maxx, GameStop, Craigslist, Walmart. बट अगर इंडिया में अगर आपको बंडल में स्टॉक इकट्ठा करना है तो उसके लिए है JioMart, Reliance, Alibaba.com, Market99, Super99, Raj Mandir Stores. तो अगर आप इनसे नहीं भी खरीदना चाहते तो आपके नियर बाय भी काफी ऐसी लोकल स्टोर्स भी होते हैं जो आपको बंडल में प्रोवाइड कर देते हैं स्टॉक, और आप उसको Amazon पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं. हाँ, बस ये जरूर याद ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी आइटम्स खरीद रहे हो, कम से कम उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% मिलना ही चाहिए आपको, तभी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. टू चेक इफ द प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है Amazon सेलर ऐप पे, और आप किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन कर सकते हो. आपको सेम प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है, सेम नाम सेम नेम के साथ सेम प्रोडक्ट ही आपको सेलेक्ट करना है, और Amazon सेलर ऐप आपको बता देगा कि ये एलिजिबल है
अमेजोन पे बेचने के लिए या नहीं है। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है, चेक द BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। जितना लोअर, जितना कम होगा उसका रैंक, मीन्स उसकी सबसे ज्यादा है। हायर द BSR रैंक, मतलब अगर बहुत ज्यादा नंबर बड़ा है तो मतलब उसकी कम सेल हो रही है। तो बस ये BSR आपको जरूर देखना है। ओके, सो अगर ये अबव टू क्राइटेरियाज आर मेट, देन आपको अपनी प्रोजेक्टेड सेल प्राइस पे आपको बस मैथ रन करना है और आपको पर यूनिट प्रॉफिट देखना है। और अगर आपको प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन नहीं मिल पाता तो मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट एंड बी श्योर टू चेक यू आर गेटिंग ओवर 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आपका प्रॉफिट बहुत ही कम होगा और कई बार होता भी नहीं है, क्योंकि अमेजोन ही डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी पे कितना कमीशन चार्ज करेगी। हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ओके, तो उसके लिए आपको गो टू प्रोडक्ट पेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन amazon.com एंड क्लिक द सेल ऑन amazon बटन बिलो द बाय बॉक्स, और यू कैन फाइंड इट एट द बॉटम ऑफ द पेज। जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये amazon का बॉटम ऑफ द पेज है, तो आपको ये नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेल ऑन amazon पेज। amazon.com का होम पेज है, इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक तो ये हमारे पास बाय बॉक्स होता है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, और ये है सेल ऑन अमेजोन। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग इससे हो जाएगी, या amazon.com के बॉटम ऑफ द पेज पे। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स के नीचे, बाय बॉक्स के नीचे ऑप्शन नहीं आता सेल ऑन अमेजोन का। तो ये रहा सेल ऑन अमेजोन बिजनेस। तो जब आप सेल ऑन अमेजोन पे क्लिक करोगे, आपको इंफॉर्मेशन सारी डालनी है, आपको सारी क्वांटिटी बतानी है, कितना प्रोडक्ट है, और ऑलवेज कोशिश यही करनी चाहिए कि या तो प्राइस हम सेम डालें या लिटिल लोअर डालें देन द करंट बाय बॉक्स, ताकि आप बाय बॉक्स को विन कर सकें, क्योंकि आपको अमेजोन पे प्रॉफिट तभी होगा, आपके प्रोडक्ट्स तभी सेल होंगे अगर आप बाय बॉक्स विन करते हो, अदरवाइज कम चांसेस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कि शिपिंग ऑप्शंस में आपको क्या सेलेक्ट करना है। उसके लिए या तो आप मर्चेंट फुलफिल कर सकते हो या अमेजोन FBA कर सकते हो। मर्चेंट फुलफिल में क्या होता है, उसकी शिपिंग करोगे, प्रोडक्ट पैकेजिंग करोगे, सर्विसेज आप हैंडल करोगे। बट अगर Amazon FBA अगर आप सेलेक्ट करते हो तो कस्टमर केयर सर्विसेज, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड शिपिंग सब Amazon FBA हैंडल करेगा। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन रिव्यू करके उसको कंफर्म करना है, सबमिट लिस्ट करना है एंड देन क्लिक क्रिएट शिपमेंट अगर यूजिंग, इफ यू आर यूजिंग FBA। पहले बता चुकी हूँ कि अगर सेल ऑन अमेजोन ऑप्शन कई बार नहीं आता बाय बॉक्स के नीचे, तो आपको क्या करना है, sellercentral.amazon.com पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, उस पर लॉग इन करना है। लेफ्ट साइड में आपका मेन मेन्यू होगा, उस पर इन्वेंट्री ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट एड प्रोडक्ट और सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, इससे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाएगी। नाउ हाउ टू सर्च द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आपको सेम प्रोडक्ट कैसे सर्च करने हैं, एंड बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का क्या मीनिंग हुआ कि सेम प्रोडक्ट जो अमेजोन में लिस्ट है, ऑलरेडी लिस्ट है, वही आप प्रोडक्ट किसी लोकल स्टोर से खरीद के अमेजोन पे उसको लिस्ट करोगे, लेकिन हायर मार्जिन पे, हायर प्राइस पे। ओके, टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन अमेजोन, यू नीड टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट लिस्टिंग इन द सर्च बॉक्स। ओके, तो आप उस प्रोडक्ट को या तो प्रोडक्ट के नेम से सर्च कर सकते हो या यूपीसी, यूपीसी होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक यूपीसी कोड होता है, बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है प्रोडक्ट का, या EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर से सर्च कर सकते हो, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और ASIN Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलती जाएगी वीडियो में। एक और बात ध्यान रखनी है कि सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत से कंपिटिटर्स Amazon पे आपको मिलेंगे,
तो या तो आप कोशिश यही करनी है कि आपको प्रोडक्ट या तो सेम प्राइस पे लिस्ट करना है अमेजोन पे या थोड़ा कम रेट पे. और ये भी देखना है कि लोअर BSR होना चाहिए. सो ऑलवेज सेलेक्ट द लिस्टिंग विद द लोअर BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक. जितना ज्यादा इसका लोअर रैंक होगा उतने ही ज्यादा उसकी सेल होगी और आपको उतना ही प्रॉफिट मार्जिन होगा. कि मैंने 50 यूनिट्स ऑफ ओरिगामी टॉयलेट पेपर ऑन सेल, आई बॉट इट फ्रॉम बिग बाजार एंड देन आई वॉन्ट टू सेल ऑन एमेजोन. ओके, सो सेम ब्रांड के टॉयलेट पेपर लिए मैंने जो अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, बट मैंने उनको सेल पे लिए किसी और स्टोर से. ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल सर्च फॉर माई प्रोडक्ट नेम ऑन एमेजोन टू फाइंडिंग द सेम प्रोडक्ट विद द लो BSR. तो जब आप ये पूरा सर्च बॉक्स में अपने प्रोडक्ट का पूरा नाम डालोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशंस भी होंगी. प्रोडक्ट के नीचे बॉटम ऑफ द पेज पे मिलता है ASIN नंबर एंड बेस्ट सेलर रैंक. इसका बेस्ट सेलर रैंक है 4702 इन हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड 38 है इन टॉयलेट टिश्यूज. ओके, सो इट्स नॉट बैड, BSR रैंक इज नॉट बैड. और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम 50,000 से नीचे नीचे ही अगर BSR रैंक मिल जाए तो मतलब उनकी सेल अच्छी होती है. तो ऐसे प्रोडक्ट देखने चाहिए जिनका लोअर BSR रैंक होता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको जस्ट ये ASIN नंबर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉपी करना है यहाँ से और Amazon सेलर अकाउंट पे जाके क्लिक करना है एड प्रोडक्ट पेज एंड ASIN नंबर वहां पे पेस्ट कर देना है. बेसिकली वो अपने आप ही उस प्रोडक्ट को सर्च कर देगा. ओके, जब आप वो ASIN कोड डालोगे तो आपको वो सेम प्रोडक्ट शो हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट न्यू एंड देन क्लिक द सेल दिस प्रोडक्ट बटन. आपको ये ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे. जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे अमेजोन पे और ये सारी आप इंफॉर्मेशन डालोगे कि आप कितना ऑफर देना चाहते हो अमेजोन को, हेयर यू क्रिएट योर ऑफर एंड फिल आउट द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट सेल द फुलफिलमेंट चैनल. अगर आप मर्चेंट फुलफिल चैनल करते हो तो आपको अपना प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड शिपिंग एंड वो देखनी पड़ेगी. एंड सेकेंड ऑप्शन है, आई वॉन्ट अमेजोन टू शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फॉर माई आइटम्स इफ दे सेल. ओके, सो बेसिकली ये अमेजोन FBA और प्राइम एक ही है. इसके लिए आपको वही सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाना है, इन्वेंट्री एंड देन मैनेज इन्वेंट्री. उसके बाद जो भी आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया था, जो भी आपने अपना प्रोडक्ट ऐड किया था उसको आपने सेलेक्ट करना है, सी दिस चेक मार्क. ओके, आपको अपना प्रोडक्ट चेक मार्क करना है एंड ये ऊपर एक्शन मेन्यू है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर. ओके, आप यहाँ पे इसको क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन आएगा कि आपको फुलफिल करना है बाय मर्चेंट और फुलफिल करना है बाय अमेजोन FBA. तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो और बाद में हटा भी सकते हो. अगर आपने पहले मर्चेंट कर दिया है तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो बाय अमेजोन FBA. टू क्रिएट एन अमेजोन FBA शिपमेंट, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी है, उसको ऐड कर दिया है, चेक मार्क कर दिया है. वंस योर प्रोडक्ट इज सेट टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन, देन वही आपको एक्शन मेन्यू क्लिक करना है. उसमें ये ऑप्शन आएगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, इस पे आपको क्लिक करना है. ये आपको डायरेक्ट करेगा एक कंफर्मेशन पेज पे जहाँ पे आप कंफर्म करोगे कि दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेंड इन्वेंटरी टू अमेजोन FBA सेंटर. ओके, जब ये कंफर्म हो जाएगा तो ये आपको एक अनदर पेज पे लीड करेगा विच इज सेंड टू अमेजोन पेज पे. वो पेज आपको ये ऊपर ऑप्शन पूछेगा चूज इन्वेंटरी टू सेंड. ओके, ये ASIN कोड आपको शो होगा, जो ये ASIN कोड उस प्रोडक्ट का है जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया था.
the product you selected from your manage inventory page to send replenish inventory will appear here. Packaging details option, ये आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे. पैकेजिंग डिटेल्स पे आप इंडिविजुअल यूनिट्स भेजना चाहते हो या स्टॉक्स भेजना चाहते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है. इंडिविजुअल यूनिट्स ऑप्शन एंड लेबल देन इंडिविजुअली, जब आप इसके इनपुट योर टोटल यूनिट्स की कितनी है अंडर द क्वांटिटी टू सेंड. ओके, एंड फॉर द इंफॉर्मेशन एक्शन, अगर आपने सेलेक्ट किया है मर्चेंट फुलफिल्ड ऑप्शन देन आपको अमेजोन क्यू ले खुद फिल करने हैं. ओके, तो बेसिकली अगर आप ये लेबल्स खुद प्रिंट आउट करके उसको कवर करते हो अमेजोन पे प्रोडक्ट पे, इट विल सेव यू मनी. ओके, क्योंकि इसके लिए भी अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो अमेजोन करे तो अमेजोन विल चार्ज यू. ओके, ये नेक्स्ट पेज है. ऑल FBA SKUs लेबल्स, pre-selected SKUs labels. तो ये information action option के नीचे आपको ये पूछेगा print SKUs label. तो आपको ये आपकी मर्जी है, या तो ये काम Amazon भी कर सकता है अगर Amazon से आप करवाना चाहते हो तो वो आपको चार्ज करेगा, और आप ये खुद भी कर सकते हो. Amazon label prepping. Once you confirm your total units per SKU, screen आपकी खुलेगी जहां पे आप SKU labels अपने product के लिए खुद ले सकते हो. Because Amazon FN SKU label use करता है in their FBA shipping center. Basically ये उनका identification number है. Okay, तो अगर आपके product के ऊपर UPC code mention है तो आपको उसे cover करना है Amazon के FN SKU label से, ताकि Amazon FBA centers पे confusion ना हो. Okay, you will cover the UPC code. If you have Amazon arbitrage product, means product that is already listed in Amazon with the Amazon FN SKU label before shipping it to an FBA center. और अगर ये private label product है तो आपको UPC code की जरूरत ही नहीं है. आपको जस्ट FN SKU label उस product पे लगाना है, और FN SKU label अभी आपको मैंने बताया ये पिछले यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको प्रिंट कर सकते हो और आपको अपने प्रोडक्ट पे खुद लगाना है. उसके बाद आपको क्लिक करना है पैक इंडिविजुअल यूनिट्स बटन, वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहां पे आपको सारी पैकिंग इंफॉर्मेशन डालनी है, जिसमें वो पूछेगा कि आपको मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए या इंडिविजुअल बॉक्सेस चाहिए आपके इन्वेंटरी शिपमेंट के लिए जो आपको अमेजोन FBA सेंटर पे भेजने हैं. ओके, और सेम इसी पेज पे आपको रीस्टॉक यूनिट्स का भी ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी फिल आउट कर सकते हो, अपनी मैक्सिमम इन्वेंटरी इनपुट कर सकते हो आप. उसके बाद ये कंफर्म शिपिंग पूछेगा, आपको वो बटन क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट योर शिपिंग मोड. अब इसमें भी हमारे पास दो शिपिंग मोड होते हैं, एक होता है एसपीडी और एक होता है LTL. एसपीडी मीन्स स्मॉल पार्सल डिलीवरी. अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आपको यूपीएस कोड प्रिंट करना है. बेसिकली ये जो यूपीएस की मैं बात कर रही हूँ वो कुरियर सर्विस के कोड की बात हो रही है, जो आप कुरियर सर्विस खुद चूज करते हो. ओके, एंड देन उसको आपको अपने इन्वेंट्री बॉक्स को अमेजोन FBA सेंटर पे भेजना है वाई यूपीएस. द नेक्स्ट है LTL शिपिंग मोड, लेस देन ट्रक लोड. मतलब अगर आपके पास काफी लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक है जो आप भेजना चाहते हो, जिसकी लार्ज डिमांड है, तो उसके लिए आप LTL सेलेक्ट करोगे. जब आप क्लिक करोगे कंफर्म शिपिंग बटन तो Amazon आपको आपकी शिपमेंट्स क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं उसके अकॉर्डिंग और रीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग. प्रिंट बॉक्स लेबल फॉर एसपीडी एंड LTL. ओके, तो इसमें यू नीड टू प्रिंट द यूपीएस शिपिंग लेबल्स, pack your products and affix your shipping label to it. जब आप ये सारा काम कर लोगे, labels वगैरह लगा दोगे अपने product पे, then आपको mark all as shipped click करना है, and इतना ही काम है SPD में. Okay, LTL step में क्या होता है, उसमें आपको Amazon box identification label को print out करना है और each box के ऊपर आपको वो लगाने हैं. TL का एक next step भी है,
जिसमें आपको कैरियर कंफर्म करना है, बिकॉज इट्स अ नॉन पार्टनर्ड कैरियर, मतलब आप अपना खुद का कैरियर यूज करते हो, तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन आएगा, गो टू शिपिंग क्यू बटन. इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. यू कैन सी ऑल योर FBA स्टेटस. जब आपकी Amazon इन्वेंटरी अराइव होगी तो Amazon चेक करेगा और उसको बिगन सेलिंग इट राइट अवे ऑन योर Amazon.com प्रोडक्ट लिस्टिंग. नाउ हाउ टू ट्रैक योर इन्वेंटरी. इन्वेंटरी ट्रैक करनी है तो उसके लिए सेम उस पे मैनेज FBA इन्वेंटरी पेज पे क्लिक करना है आपको. उसी पेज पे आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी एडजस्ट कर सकते हो कि वो बाय बॉक्स के आसपास आ भी रहा है या नहीं आ रहा. मोर थिंग, अगर किसी प्रोडक्ट के नीचे ये ऑप्शन आता है, बाइंग ऑप्शन, जिसमें वन ऑफ द सेलर Amazon.com है, देन उस प्रोडक्ट को आप इग्नोर ही करो, क्योंकि Amazon.com को प्राइस को आप कभी बीट नहीं कर सकते हो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वेंचर्स. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Amazon प्राइवेट लेबल के बारे में, व्हाट इज UPC कोड एंड ASIN कोड्स. ओके, तो सबसे पहले Amazon प्राइवेट लेबल क्या है, मतलब आप अपने खुद के प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी खुद की कंपनी है, आप अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कहीं लोकल स्टोर से ले रहे हो, अपना वो प्रोडक्ट जो Amazon के सिस्टम में लिस्टेड नहीं है उसको बोलेंगे Amazon प्राइवेट लेबल. तो मतलब आपको अपना खुद का UPC कोड आपको बाय करना होगा. UPC कोड इज द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. हर प्रोडक्ट का एक UPC कोड होता है, बेसिकली इट्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कोड. ओके, तो अगर आप Amazon प्राइवेट लेबल एज लिस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को, तो बाय बॉक्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा आपके साथ, बिकॉज यू विल ओन द बाय बॉक्स, क्योंकि आपने खुद वो प्रोडक्ट बनाया है और वो Amazon के सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है. और Amazon प्राइवेट लेबल में बेसिकली ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, कंपटीशन है ही नहीं है. आप अपना यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट करोगे Amazon में, जो Amazon में ऑलरेडी लिस्टेड है ही नहीं. UPC कोड्स, अगर आप अपनी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग कर रहे हो Amazon पे, तो आपको UPC कोड तो मेंशन करना ही है Amazon पे फॉर ईच आइटम यू प्लान टू सेल ऑन Amazon. ओके, तो यू कैन इधर बाय UPC कोड्स फ्रॉम eBay और snapupc.com, और आपको उन्हीं से ही खरीदना चाहिए. टॉप सेलर्स विद 99% एंड पॉजिटिव रिव्यूज. ओके, और वन मोर थिंग कि आपको UPC कोड्स हर एक साइज, हर एक प्रोडक्ट साइज, उसके कलर और उसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपको यूनिक प्रोडक्ट कोड चाहिए होगा, ताकि आप उसको ट्रैक कर सको प्रोडक्ट को और Amazon भी ट्रैक कर सके. एंड वन मोर थिंग कि आपको जो आप UPC कोड यूज कर चुके हो, आपको उनको ट्रैक करना होगा, ताकि आप नेक्स्ट परचेज में सेम UPC कोड बाय ना कर सको. तो ये भी जरूरी ध्यान रखना है आपको. तो आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हो, ताकि आप रिकॉर्ड रख सको अपने UPC कोड्स का. नाउ व्हाट आर ASIN कोड्स? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो बेसिकली ये भी एक UPC कोड ही है, लेकिन ये कोड Amazon यूज करती है अपने प्रोडक्ट लेबल के लिए. ओके, तो Amazon आपको ये कोड ASIN कोड खुद असाइन करेगी. जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे तो Amazon असाइन करेगी. जब आप अपनी इन्वेंटरी Amazon FBA सेंटर्स पे भेजोगे, देन यू मस्ट प्लेस द ASIN बार कोड लेबल ऑन ईच कोरिलेटिंग आइटम. तो Amazon एक्चुअली रिक्वेस्ट करती है आपको कि आप अपने प्रोडक्ट का UPC कोड उसको कवर करके ASIN कोड लगाओ, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए वाइल स्कैनिंग द इन्वेंटरी. तो बेसिकली ये उनके लिए एक Amazon के लिए एक UPC बार कोड है जो Amazon यूज करती है. जिस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम एंड मैन्युफैक्चरर नेम. ओके, सो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है मेलानी किंग शीट्स होटल बेडिंग शीट्स. ओके, सो ये जो ऊपर मेंशन है विजिट द मेलानी स्टोर, ये एक ब्रांड नेम है.
और ये बाय बॉक्स में आपको दिख रहा है सोल्ड बाय मेलेनी, मतलब सेम ब्रांड बेच रही है. ओके, तो ये मैन्युफैक्चरर का नाम सोल्ड बाय में बेसिकली मेंशन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमने टेबल रनर लिया है फार्म हाउस स्टाइल, तो ब्रांड नेम है हमारे पास विजिट द आवर वॉर्म स्टोर, लेकिन सोल्ड बाय है पार्टी टॉक. कुछ अमेजोन सेलर्स सेम ब्रांड नेम और सेम मैन्युफैक्चरर नेम चूज कर लेते हैं, तो ये आपकी मर्जी है. आपको डिटेल में अलग अलग नाम भी चूज कर सकते हैं और सेम भी. नाउ हाउ टू चूज योर ब्रांड नेम. द मैन्युफैक्चरर नेम इज द नेम ऑफ योर कंपनी, द नेम विच यू विल नीड टू रजिस्टर व्हेन यू क्रिएट अ प्रोफेशनल अमेजोन अकाउंट. ओके, so if you have variety of products in your private label, then you can try something like Big Bazaar or Reliance or Super 99. ऐसे most private label products make their manufacturer name match their brand name. तो ये आप पे depend करता है कि आप same नाम रखना चाहते हो या अलग रखना चाहते हो. How to set up your business and tax ID? उसके लिए आपको अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करना है एज अ DBA, डूइंग बिजनेस कंपनी. उसमें आपको EIN नंबर मिल जाएगा, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये जरूरी होता है क्योंकि जब आप इस रिक्वेस्ट करती हैं EIN नंबर फॉर द टैक्स पर्पसेस, और Amazon भी रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना EIN नंबर भी मेंशन करें. ओके, है कि आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना नीश सेलेक्ट कर लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको सेल करना चाहते हो अमेजोन पे, तो उसके लिए उसके बाद हाउ टू कॉन्टेक्ट सप्लायर्स. तो जब आप अपना नीश सेलेक्ट कर लोगे, आपको वेरीफाइड सप्लायर्स ढूंढने की जरूरत है. या तो आप अपने लोकल स्टोर्स पे भी जाके बात कर सकते हो, इफ यू आर यूजिंग अलीबाबा या AliExpress.com, तो वहां पे आपको मेक श्योर टू चेक यू हैव वेरीफाइड सप्लायर. ओके, तो उसके लिए ऑप्शन आता है, आपको देखना है कि मल्टीपल ईयर्स से वो बेच रहे हैं या नहीं, या कितनी क्वांटिटी वो सेल करते हैं. उसके लिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको रिस्पांस टाइप चेक करना है कि कितना जल्दी वो रिस्पांस देते हैं, या जब आपको फ्यूचर में कोई डाउट आता है तो वो अवेलेबल है भी या नहीं. तो जब भी आप वेरीफाइड, अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्राई टू कॉन्टेक्ट एटलीस्ट 7 or 8 सप्लायर्स, सो दैट यू कैन कंपेयर देयर रिस्पॉन्सिव टाइम और क्या बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल हैं. आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा, और उनसे प्रोडक्शन टाइम जरूर पूछना है, क्योंकि कुछ सप्लायर्स मंथ लेती हैं और कुछ 50 days और कुछ 60 days, तो प्रोडक्शन टाइम भी पूछना है. और एक आपको कंपैरिजन मिल जाएगा और एक शिपिंग रेट्स का भी पता लग जाएगा. एंड बिफोर प्लेसिंग योर बल्क ऑर्डर, मेक श्योर टू रिक्वेस्ट 1 sample टू बी शिप टू यू. उससे आपको पता लग जाएगा उनकी पैकेजिंग कैसी है, उनका शिपिंग रेट कैसा था, और उन्होंने कितना प्रोडक्शन रेट लिया. Alibaba.com है. ओके, सो हम कोई कैटेगरी चूज करते हैं. एग्जाम्पल मैंने चूज किया ये सोप डिस्पेंसर. ओके, सो ये MOQ है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप कितनी भेजेंगे, वो 50 से स्टार्ट होती है और 500. और ये है वेरीफाइड सप्लायर है दाजी टेक्नोलॉजी. इनको अभी 2 साल हो गए हैं सेल करते हुए. इनका रिस्पॉन्स टाइम है लेस देन इक्वल टू 2 hours, और डिलीवरी रेट है 100%. इतनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं. तो आपको ये एक बार सेलेक्ट वेरीफाइड सप्लायर खुद देखना है. कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. बेसिकली ये ऑप्शन सही है जिसमें आप चैट कर सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी भेज सकते हैं, और अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो कोई प्रोडक्ट, तो ये सब आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इनसे पूछ सकते हो. लिए आप उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करोगे, उसके लिए आप ये उन्हें मेल कर सकते हो, हेलो आई एम रिक्वेस्टिंग अ क्वोट फॉर योर प्रोडक्ट, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट नंबर या प्रोडक्ट का टाइटल भी सेंड कर सकते हो. और अगर उनके साइट पे
पे या इमेज पे अवेलेबल है, साइट पे इमेज अवेलेबल है तो आप उनको वो भी भेज सकते हो. प्लीज प्रोवाइड योर MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड एयरमेल शिपिंग रेट टू एयरपोर्ट कोड. जो भी आपकी लोकेशन है, जो आप लोकेशन प्रेफर करते हो, एंड मेलिंग जिप कोड एंड ऑल्सो योर प्रोडक्शन डेज नीडेड फॉर दी आइटम्स. ओके, क्योंकि सब कंपनीज आपको बताती नहीं है तो वो क्या करती हैं, आपका जो पैकेज है उसको शिप कर देती हैं बाय बोट्स, और वो कई बार कस्टम्स में फंस जाता है. तो इसीलिए आप ये अवॉइड ही करें. ट्राई टू डू एयरमेल, इट्स सेफर. शिपिंग बाय बोट्स सस्ता है, बट स्टिल बाय एयरमेल इट्स वेरी सेफ. इसमें थोड़े से ज्यादा पैसे लगेंगे बट इट्स सेफ. नाउ पैकेजिंग डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी sellercentral.amazon.com पे, कि कैसे अगर लूज प्रोडक्ट है उनको कैसे पैक करना है, और FNSQ लेबल हर यूनिट का यूनिक होना चाहिए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हो कि पैकेजिंग ऑप्शंस क्या हैं. बेसिकली वो क्या करते हैं, पॉली बैग्स यूज करते हैं. ओके, तो या तो वो यूज करते हैं एडहेसिव सील टाइप पैकेजिंग या जिप लॉक टाइप पैकेजिंग. और Amazon क्या करता है, वो सफोकेशन वार्निंग होता है आपसे, तो या तो वो बैग के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए या अटैच होनी चाहिए एज अ लेबल. और अगर आपका प्रोडक्ट बॉक्स में आता है, ठीक है, तो इट शुड पास 3-foot ड्रॉप टेस्ट ऑन ईच कॉर्नर. और बाकी के सारे इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएंगी. आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ मैनुअल Amazon फुलफिलमेंट ऑर्डर and to remove that order. Okay, तो कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री में एरर आ जाता है और आपको वो ऑर्डर मैन्युअली फुलफिल करना पड़ता है. लेकिन या और इन्वेंट्री आपकी Amazon FBA वेयर हाउसेस में ही है, तो उसके लिए क्या करना है, Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना है, क्लिक द इन्वेंट्री ऑप्शन एंड देन मैनेज FBA इन्वेंट्री ऑप्शन. ओके, तो उसमें आपको ये पेज दिखेगा जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट किए हुए हैं और जिसमें एरर है वो दिख जाएगा. जैसे ये है, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्टिव है लेकिन चेक मार्क नहीं है, वो फुलफिल्ड नहीं है बाय Amazon. तो आपको खुद फुलफिल करना है, आपको इसको क्लिक करना है, चेक मार्क करना है. ये रहा, आपने इस प्रोडक्ट को चेक मार्क करना है, मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया है. उसके बाद जब आपने इसको चेक मार्क कर लिया, ये एक्शन मेन्यू पे आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, क्रिएट फुलफिलमेंट ऑर्डर, मतलब आप इसको खुद मैन्युअली क्रिएट करोगे. इट विल लीड टू अ पेज जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें कस्टमर की शिपिंग एड्रेस होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या कितनी है और उसकी ऑर्डर आईडी क्या है, ये आपको खुद फिल आउट करना है. एंड देन हिट द प्लेस ऑर्डर बटन, तो इससे आपका ऑर्डर मैन्युअली क्रिएट हो जाएगा. नाउ हाउ टू क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कई बार कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं विदाउट द ओरिजिनल पैकेजिंग, ओके, तो Amazon क्या करती है, उसको डिस्पोज कर देती है ऑटोमेटिकली फॉर अ फी. तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको खुद मैन्युअली रिमूव करना है ऑर्डर फ्रॉम दी Amazon. उसके लिए क्या करना है, आपको एक्शन मेन्यू पे जाना है, वहां पे आपको क्लिक करना है मैनेज FBA इन्वेंटरी एंड देन ऑप्शन आएगा रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंटरी. आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहां पे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे. उसके बाद वो आपसे रिमूवल का मेथड पूछेगा. जब आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, फिल द क्वांटिटी फॉर रिमूवल डिटेल्स कि आपको इस प्रोडक्ट को आपको रिमूव करना है, उसकी डिटेल्स फिल आउट करके आपको कंफर्म करना है और फिर आपका ऑर्डर रिमूव हो जाएगा और Amazon डिस्पोज नहीं कर पाएगी. ओके, आपको कोई चार्ज भी नहीं होगा. That's it.
Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel.